वैसे एक बात मुझे समझ में आ गई, तुम पल्लवी की बहुत केयर करते हो। ट्रू। अच्छी बात है अंकल, ऐसा एक दोस्त हर किसी की जिंदगी में होना चाहिए। बिल्कुल। और जितना मुझे समझ में आया है कि तुम पल्लवी को बहुत अच्छी तरह समझते भी हो। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि सिर्फ एक पति नहीं एक अच्छा दोस्त भी बन सकूं। पर कहीं कमी रह जाए तो तुम हेल्प कर देना। हेल्प करोगे ना? पल्लवी मेरे लाइफ पार्टनर बनोगे? आकाश क्या हुआ? अंकल वो एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, सॉरी ध्यान नहीं रहा था, मैं मिलता हूँ आपसे बाद में। ओके। करण क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? हाँ ऑल ओके। मुझे क्या होगा, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने आ गया था। सरप्राइज? आई एम वेरी श्योर तुम्हें ना तनु ने बताया होगा कि हम सभी आए। एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर द सरप्राइज। अच्छा सुनो, तुमने मुझे अभी तक इन्वेस्टर्स की फंडिंग के बारे में कुछ नहीं बताया। अरुण क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ ऑल ओके, वो इन्वेस्टर का ही मैसेज आया हुआ है। आई जस्ट टेक दिस, आई जॉइन इन 2 मिनट्स। हेलो, चल क्या रहा है? कुछ बताएगी? बेस्ट फ्रेंड हूँ बल्लो मैं तेरा। आकाश से बात हुई? क्या बोला उसने? मॉन्टी, आकाश ने मुझे कल प्रपोज किया था और मैं बिना कोई जवाब दिए वहां से आ गई, और अब पापा ने अलग कांड कर दिया। आकाश को बुला के उसके सामने किसी और से मेरे रिश्ते की बात कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि लड़का कैसा है बताओ। हम सोच भी नहीं सकते कि उसे कितना बुरा लग रहा होगा, कितना हर्ट हुआ होगा वो। ओ, तभी मैं बोलूं, उसका चेहरा इतना मायूस सा क्यों लग रहा था? शिट मॉन्टी, ये तो बहुत गलत हुआ है, उसका दिल टूट गया होगा और अब मुझे ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है। मैं उसे फोन कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रहा। मुझे उससे मिलने जाना है मॉन्टी, तो प्लीज यहीं रहना, मैं उससे मिल के आती हूँ, ठीक है? कोई हेल्प चाहिए हो तो बताना। नहीं मॉन्टी, मैं तुझे कॉल करूंगी। आराम से जाना। अब देखो इन लोगों ने बारिश करवा दी, अब हीरो हीरोइन मिलेंगे और जरूर कुछ ना कुछ कांड करेंगे, देखना। कुसुम, मैं देखती हूँ। हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, मेरा होगा दादी, हम लोगों का कोड है 10 सेकंड साइलेंस। अच्छा लो कोड गैंग वाले। आप बोलो गैंग, कौन बोल रहा है, सुनील या हेतन? रिंकू, रिंकू मैं पल्लवी बोल रही हूँ, आकाश की फ्रेंड। ओ अच्छा, एक सेकंड। अब बोल लिया। रिंकू तुम्हारे चाचू कहाँ है, उनसे बात करनी थी। पर आपके दादू से तो बात हुई ना, मैंने सुना था। हाँ रिंकू, लेकिन चाचू से बात करनी थी। आपको चाचू चाहिए ना, अभी बताता हूँ। आकाश, मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। एनीवे वो इम्पोर्टेंट नहीं है आकाश,
मुझे सच में नहीं पता था कि पापा ये सब प्लान कर रहे हैं। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। आकाश आकाश मेरी बात सुनो प्लीज। तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? आकाश मुझे सच में पापा के प्लान के बारे में नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि वो किसी लड़के से मिलने वाले हैं जो डॉक्टर है जिसका नाम सिद्धांत है और वो मेरी शर्त मान के मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। मुझे नहीं पता था इस बारे में। आई स्वेयर आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस। आकाश प्लीज मेरी बात सुनो एक बार। आकाश तुम ठीक हो? दर्द हो रहा है? आकाश आकाश सॉरी दर्द हो रहा है। आकाश मुझे देखने दो प्लीज। मैं नहीं छोड़ूंगी। आकाश दिखाओ। आकाश स्प्रेन है, अभी ठीक करना पड़ेगा वरना आगे चलके मुश्किल हो जाएगी। आकाश हमें मिलके बात करनी होगी वरना पता नहीं कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए हमारे बीच। मुझे पता है कि तुम हर्ट हो, ऐसा नहीं है कि मुझे अंदाजा नहीं है और मुझे अभी पता चला और मैं सीधा यहाँ मैं तुम्हारे पास। सौ बात की एक बात पल्लवी, प्यार करती हो कि नहीं? हेलो हाँ जी अंकल। आकाश वो पल्लवी फोन नहीं उठा रही, कब से मैं उसका नंबर ट्राई कर रहा हूँ। तुम्हें पता है वो कहाँ है? पल्लवी अब तक घर नहीं आई। आई डोंट नो अंकल कहाँ चली गई है वो। फिर पता नहीं बेटे, मैंने वो शादी का बम फोड़ दिया कहीं उसे गुस्सा तो नहीं चढ़ी है? तुम्हें पता है ना पल्लवी का गुस्सा कैसा है। समझ जाएगी कि कुछ तो गड़बड़ है। ये ले टिश्यूज, इससे पोंछ। अब बता क्या बात हुई आकाश से? प्यार करता है मुझसे। और तू? मैं भी करती हूँ पर हम साथ नहीं हो सकते मॉन्टी। मैं पापा को नहीं छोड़ सकती, ना उसके लिए ना किसी के लिए। बस इतनी सी कहानी है, बाकी सब जाने दे। तू ना सच में पागल है। तुझे ना बचपन से जानता हूँ मैं, अच्छे से आइडिया है तुझे। ये जो फीलिंग्स है ना, इससे पहले कभी नहीं आई है तुझे, किसी के लिए भी नहीं आई है। अपने आप को दबा के रखा है तूने हमेशा से। और फिर भी आकाश का प्यार चुपचाप बिना आहट किए घुस गया ना दिल में। ढूंढ लिया ना उसने तुझे। और तू तू है कि उसे जाने देगी? ये मामूली बात नहीं है पल्लो, कुछ तो है उसमें और तुझ में। तुम दोनों ना एक दूसरे के लिए बने हो यार, समझ आ रहा है ना तुझे? देख तेरा दिल जानता है लेकिन तू मुंह फेर रही है सच्चाई से। और ये तेरे इमोशंस, इन सबको तू सबको ऐसे ही सैक्रिफाइस कर देगी? तुझे प्यार हुआ है पल्लवी, पहली बार तुझे किसी से प्यार हुआ है। एंड यू विल पुट एन एंड टू इट। तू ये चैप्टर को ऐसे ही खत्म कर देगी। तो मतलब पल्लवी को ऐसा एक लड़का चाहिए जो शादी के बाद उसके साथ उसी के घर में रहे, और तू ऐसा एक लड़का उसके लिए पसंद करके आ गया। प्यार करती है कि नहीं वो तुमसे? पता नहीं, उसने बताया तो आप तो उसने मुझे कोई क्लियर जवाब नहीं दिया। नहीं कहा उसने कुछ, बस ये कहती रही कि हम लोग साथ नहीं हो सकते। लेकिन चाचू मैंने उसकी आंखें देखी थी, उसकी आंखें ना बहुत कुछ कह रही थी। अब क्या क्या चाचू, वो मेरे साथ नहीं हो सकती और मैं किसी और के साथ नहीं हो सकता। आकाश की फैमिली को देखा है मैंने, सब लोग एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। सबसे ज्यादा प्यार करती है आकाश से। मोंटी तुझे पता है उन्हें आकाश के लिए ना एक टिपिकल बहू चाहिए जैसे सबको चाहिए होती है। उसमें कुछ गलत नहीं है पर मैं उनकी बहू बनने के लिए पापा की बेटी बनना कभी नहीं छोड़ूंगी। तू ना बहुत अलग है, सबसे अलग है। मैंने ना
और लोगों को भी देखा है जो अपने माँ बाप से लड़ जाते हैं अपने मन की करने के लिए, अपने पसंद की शादी, अपने पसंद का प्यार, लेकिन तू पहले जो अपने पापा के साथ रहने के लिए अपने फीलिंग्स को मार रही। मॉन्टी प्लीज पापा को कुछ मत बताना। पापा को क्या मत बताना? क्या छुपा रही हो पापा से? गलती तो वहां है, उसने हमें मिलाया ही क्यों जब साथ नहीं रख सकता था। आकाश ने पल्लवी को प्रपोज किया और पल्लवी ने ना कह दिया। सॉरी अरे अंकल आप धीरे धीरे बैठ जा। क्या हुआ अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं पल्लू की रिपोर्ट बना रहा हूँ, लेकिन अगर उसे पता चल गया मैं उसकी रिपोर्ट बना रहा हूँ ना, तो वो मेरा रिपोर्ट बिगाड़ देगी। पर कुछ नहीं, तुझे दिख रहा है ना, तो फिर बता दोनों के बीच में क्या चल रहा है। हंस रहा है अंकल। गुड। अच्छा सुन, तुम्हें कैसा लगा, पल्लू पसंद करेगी इसे? दिखने में तो गुड लुकिंग है अंकल, है ना? बट क्या बट? अरे नहीं, वो एक बार पल्लू किसी से मिल ले और उसे एक बार में हाँ कह दे, ऐसा तो होगा नहीं ना अंकल। तो मैं क्या करूं, उसे घर बुलाकर बिठा दूं फ्रिज की तरह? देख रही हूँ इधर ही। खड़ी हो जा, कवर कर मुझे, दोनों के पास जा और बातें सुन, मुझे बता कि वो दोनों क्या क्या बातें कर रहे हैं। और ये आकाश कहाँ चला गया है इन मौके पर? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।